वेलकम दोस्तों दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ धारा 144 क्या है इसके बारे में आपको जान सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई इलाकों में छुटपुट घटनाएं होती रहती है, जैसे किसी की गाड़ी की आग लगाना, रोड जाम करना आदि घटनाएं होती रहती है। इससे निपटने के लिए पुलिस द्वारा 144 लगाई जाती है कि ये जो हिंसा है ये भयंकर रूप ना ले ले, इसके लिए धारा 144 लगाई जाती है। आमतौर पर आप सुनते रहते हैं कि धारा 144 लग गई है, ये क्यों लग गई है ये आप जान सकते हो कि जिस प्रकार आज हाल ही में आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, 3/17/18 के बाद वहाँ पूरे राज्य में 144 लागू कर दी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा कोई ऐसा हिंसा प्रकट नहीं हो जिससे कोई गंभीर रूप ले ले, क्योंकि ऐसी हिंसा को रोकने के लिए या दंगा प्रसाद को रोकने के लिए या दंगे के आदि से डर की वजह से सरकार द्वारा जिला जो मजिस्ट्रेट होता है जिला कलेक्टर उसके द्वारा 144 लगाए जाए बेकायदा नोटिफिकेशन जारी करके धारा 144 लगाई जाती है। इसके डर के मारे व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना, हिंसा नहीं करना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 144 धारा लगने के बावजूद भी कोई हिंसा करता है या किसी आवाजानी करता है, कार मोटरसाइकिल आदि भी आग लगाता है या रोड जाम करता है या ट्रेन को रोकता है, तो उसे 144 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि धारा 144 केवल हिंसा को रोकना, शांति बनाए रखना आदि के लिए लगाई जाती है। और कोई भी व्यक्ति 5 से ज़्यादा व्यक्ति समूह में इकट्ठा होकर कोई बातचीत ना करे, कोई व्यक्ति ऐसी घटना ना करे जिससे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कोई भी हिंसा कर सकते हैं। इसके डर के मारे सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर आदेश जारी कर 144 धारा लगाई जाती है। आज आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर में यही हालात है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अगर कोई व्यक्ति इकट्ठा होते तो ऐसी कोई योजना बना सके या धरना प्रदर्शन कर सके, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 144 का उल्लंघन करता है तो उन पुलिस द्वारा 107/16/151 में पेश किया जाता है उनको, लेकिन पुलिस द्वारा 144 में अगर कोई गिरफ्तार होता है तो जमानती धारा होती है। लेकिन इसके डर के मारे कोई भी व्यक्ति 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों कभी भी 144 अगर कहीं भी धारा लगे तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्व्यक्ति ऐसा उल्लंघन करता है तो 144 धारा का दोषी पाया जाता है, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो उनकी जमानत ले सकता है या नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ऐसा डर है कि ये फिर हिंसा कर सकते हैं तो नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों कोई असामाजिक तत्वों के रूप में जो लोग होते हैं वो हिंसा भड़का सकते हैं या ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, तो इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में इसी वजह से 144 धारा लगाई गई है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर 144 धारा का उल्लंघन करता है उसे 1 साल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि 116 में या ऐसी असामाजिक तत्वों द्वारा अगर देश के खिलाफ भड़का होना भाषण देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।